Hello everyone, welcome back to my channel. In this lecture we will try to manage our project, right? तो project को manage करने का sense क्या है कि जब हम लोग folder create करते हैं यहाँ पे, तो अब तक जितना भी folder हम लोगों ने बनाया है वो सब different pages के लिए बनाया है, लेकिन एक project के अंदर में हमारा केवल pages ही नहीं होता है, बल्कि इसके अंदर में हमारा models आएंगे, right? Services आएंगे और भी यूटिलिटीज आएंगे, कुछ और भी हमारे पास रिसोर्सेस आएंगे। इन सारे चीज़ों को हमको मैनेज करना है इसी ऐप नाम के फोल्डर में। अब सपोज करो कि तुम्हारे पास अभी केवल चार पेजेज है, तो चार फोल्डर है, और अगर एक प्रोजेक्ट के अंदर में 50 पेजेज हो जाए तो तुम क्या करोगे, 50 फोल्डर्स पहले क्रिएट करोगे, राइट? तो केवल पेजेस के लिए तुम्हारे पास 50 फोल्डर्स है, उसके बाद में यूटिलिटीज आएंगे, मॉडल्स आएंगे, सर्विसेस आएंगे, उन सभी के लिए भी तुम्हें फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा, और उस समय तुम्हें इसको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसमें हम लोगों को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा पेजेस के लिए है, कौन सा यूटिलिटीज के लिए है, कौन सा सर्विसेस के लिए है, राइट? तो आई होप समझ में आ रहा होगा कि हम क्या करना चाह रहे हैं, कि इस फोल्डर स्ट्रक्चर को इतना सिंपल रखना चाहते हैं सो दैट इन द कमिंग फ्यूचर वी विल इजिली रिकॉग्नाइज दैट वेर इज माई पेज, राइट? तो नेक्स्ट चीज के अंदर एक फैसिलिटीज दिया कि एक काम करो कि आप जो पेजेस बना रहे हो ना उसके लिए एक सेपरेट फोल्डर बनाओ, बट वो फोल्डर हिडन होना चाहिए किससे, यूजर से, पब्लिक से, राइट? तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि ऐप फोल्डर के अंदर में एक फोल्डर क्रिएट करेंगे, राइट? और यहाँ पे जो फोल्डर बनाएंगे हम लोग उसको पैरेंथेसिस के अंदर देंगे। अब पैरेंथेसिस के अंदर जो फोल्डर का नाम देंगे वो टोटली तुम्हारे अपने चॉइस के ऊपर है। तो यहाँ पे मैंने दे दिया क्या चीज, पेजेज, क्योंकि हम बना रहे हैं यूजर का पेज, राइट? तो उसी तरह से हम इसका नेमिंग भी रखेंगे कि पेजेस नाम का फोल्डर बनाना है और इसी पेजेस के अंदर में हमको डिफरेंट पेजेस को स्टोर करना है, राइट? अब देखो इस पेजेस फोल्डर के अंदर हम लोगों को जितने भी पेजेस बनाने हैं उन सारे पेजेस का फोल्डर क्रिएट करेंगे, राइट? तो अभी जो पहले से बना हुआ फोल्डर है मैं उसको डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जो प्रीवियस लेक्चर्स हम लोगों ने कवर किया है वो सारे इसी के बेस पर है। तो जब आप GitHub रिपोजिटरी पे जाओगे इसको डाउनलोड करने के लिए तो आपको ये सब मिलेगा, मैं इसको अभी डिस्टर्ब नहीं करूँगा, राइट? और एक बात और भी बता दूँ कि जो प्रीवियस क्लास तक का हम लोगों ने अपडेट किया था उसका अपडेट अभी GitHub रिपोजिटरी के ऊपर है, आप चाहो तो वहां से डाउनलोड कर सकते हो, राइट? अब चलते हैं हम लोग अपने पेजेस फोल्डर की स्ट्रक्चर पे, राइट? तो यहाँ पे पेजेस फोल्डर के अंदर में सपोज करो कि मैं तुम्हें एक दो पेजेस बना करके आइडिया दे देता हूँ, बाकी तुम खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं पेजेस फोल्डर में गया और पेजेस फोल्डर को सेलेक्ट कर लिया, राइट? इस पर पहले क्लिक कर लेना है एंड देन यू क्रिएट अ फोल्डर, राइट? सपोज मैं क्या चाह रहा हूँ कि अभी अबाउट अस के लिए एक पेज बनाना है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अबाउट, राइट? और अबाउट के अंदर में हम लोगों को एक पेज बनाना है, सो वी हैव टू क्रिएट अ पेज डॉट जेएसएक्स, राइट? एक पेज बन गया हमारा पेज डॉट जेएसएक्स, और इस पेज के अंदर में हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं RFC, राइट, कोड स्निपेट, और यहाँ पे हम लोग फंक्शन का नाम भी रख लेते हैं अबाउट पेज, राइट? So this is my about page. All right. अब अगर मुझे इस about वाले pages को open करना होगा अपने browser के ऊपर में, right? तो सबसे पहले मैं यहाँ पे server को run कर लेता हूँ, तो npm run dev. So development server will be started. So let's wait for a few seconds. All right. So our server is up and running, और यहाँ से हम लोग अब चलते हैं ब्राउजर के ऊपर में और इसको रन करते हैं, और यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग localhost and 3000, we are getting here the root page. Now come to the about, और अभी यहाँ पे तुम देखोगे कि हम लोगों ने बनाया था pages नाम का फोल्डर, उसके अंदर में about, और जैसा कि तुम्हें पता है कि कोई भी pages को access करना होगा तो जो folder बनाते हैं ना वो हमारा URL होता है, लेकिन अभी मैं क्या बोल रहा हूँ कि अबाउट केवल लिखना है और पेजेस जो होगा वो हिडन होगा यूजर से, पब्लिक से, पब्लिक को ये दिखेगा नहीं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि डायरेक्ट लिखूंगा अबाउट, राइट?
so that we should have to get the about page. All right, yes, we have got the about page. और यहाँ पे देखो कि मैंने कोई ऐसा पेजेस मेंशन नहीं किया है, राइट? तो अब अगर हम लोगों को कोई भी पेजेस बनाना होगा तो इसी फोल्डर के अंदर जाएंगे और इस फोल्डर के अंदर में सारे पेजेस को रखेंगे, जैसे कॉलेज देखो इम्प्लॉई है, या प्रोडक्ट हो गया, स्टूडेंट हो गया, इन सारे को हम चाहते तो इस पेजेस नाम के फोल्डर में रख सकते थे, राइट? क्योंकि ये पहले से हम लोगों ने बना करके रखा है तो मैं इसको डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर मुझे इस पेजेस के अंदर में फिर से कॉन्टेक्ट अस का एक पेज बनाना पड़े, राइट? तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से फोल्डर में जाऊंगा, पेजेस के अंदर, राइट, नॉट इन अबाउट फोल्डर, राइट? पेजेस में जाना है, पेजेस के अंदर में मैं यहाँ पे बना लेता हूँ कॉन्टेक्ट, राइट? एंड इनसाइड द कॉन्टेक्ट वी हैव टू क्रिएट अ पेज, राइट? सो हियर इज द पेज डॉट जेएसएक्स एंड इनसाइड दिस वी हैव टू राइट द कोड स्निपेट एंड हियर आई एम राइटिंग द कॉन्टेक्ट पेज. अब इसे भी अगर हमको ओपन करना होगा तो ब्राउजर में जाएंगे और अबाउट की जगह पर हम लोग लिखेंगे कॉन्टेक्ट. सो वी शुड हैव टू गेट द कॉन्टेक्ट पेज. ऑलराइट, इट्स वर्किंग फाइन, राइट? तो अभी देखो कि अगर हमारे पास एक ही फोल्डर रहता पेजेस और इतने सारे फोल्डर नहीं क्रिएट करने होते, तो जब कभी भी हमको पेजेस से रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन करना होगा, खोजना होगा या सर्च करना होगा अपने प्रोजेक्ट के अंदर में, तो हम केवल कॉन्टेक्ट करेंगे एक सिंगल फोल्डर को, पेजेस को, राइट? और ये जो पेज स्ट्रक्चर है हमारा, जो प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर है, वो भी बहुत छोटा दिखेगा, इतना लंबा चौड़ा नहीं दिखेगा, क्योंकि इसके बाद जैसे जैसे हमारा प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा वैसे वैसे नंबर ऑफ फोल्डर्स भी बढ़ेगा, राइट? और अगर तुम लोगों ने इस तरह से प्रोजेक्ट के स्ट्रक्चर को ठीक से मैनेज नहीं किया तो बाद में जाकर के तुमको खुद ये कम्प्लेक्स दिखने लगेगा और उसको मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा. तो अगर मेरा सजेशन मानो तो शुरू से ही तुम क्या करो कि पेजेस के लिए एक सेपरेट फोल्डर क्रिएट करो और इस पेजेस के अंदर ही सारे पेजेस नाम के जो भी फोल्डर बनाना है वो सब इस पेजेस नाम के अंदर रखो, राइट? सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. Till then, bye-bye.